बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। कल हम सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में से शबरी प्रसंग प्रथम भाग श्रवण किया। कल ही के प्रसंग में आपने श्रवण किया मतंग मुनि जी की शिष्या शबरी जी किस प्रकार जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करती हैं, अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करती हैं, उसके बाद उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा। और प्रभु से प्रेम या एक भक्त का ईश्वर से संबंध, ईश्वर से नाता हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है। और इसी प्रेम के विषय में कहा गया कि जो तो प्रेम खेलन को चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजय कान ना कीजय। लेकिन जहां प्रेम की बात है वहीं ये बात भी स्पष्ट है कि प्रेम संसार से कभी भी नहीं हो सकता। हम अक्सर ये कहते हैं या अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं कि हमें उस व्यक्ति से प्रेम है, हमें इस वस्तु से बहुत प्यार है, हमें हमारे इस रिश्ते के साथ बहुत लगाव है, स्नेह है। लेकिन संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, संसार का स्नेह, संसार की ममता प्रेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिसको हम प्रेम कहते हैं उसमें स्वार्थ है। यदि आपसे कोई प्रेम करता है या आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ भाव छिपा है। आप किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने मन की किसी ना किसी किसी कोने में छिपी हुई भावना को संतुष्ट करना चाहते हैं और उसी को आप नाम देते हैं प्रेम का, प्यार का। लेकिन महापुरुष कहते हैं ये प्रेम नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वार्थ है, यहाँ वासना है, यहाँ सूक्ष्म रूप में आपका लेने और देने का भाव छिपा है। इसलिए प्रेम ये तो स्वयं में एक विशुद्ध भावना है जो सिवाय ईश्वर के बिना किसी के साथ हो ही नहीं सकता। प्रेम शब्द हम केवल ईश्वर के साथ प्रयोग कर सकते हैं, संसार के साथ मोह होता है, प्रेम नहीं होता। और हमें ये अजीब बात है कि संसार में रहते हुए इसका पता भी नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार जैसे हम रात्रि को सोते हैं, सो तो जाते हैं लेकिन सोते हुए हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम सोए हुए हैं। जब सुबह हमारी आंख खुलती है तो पता लगता है कि सोए हुए थे। ठीक इसी प्रकार संसार में हम अपने आप को भ्रम में लेकर घूमते हैं, चलते हैं, जीते हैं कि हम प्रेममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें चाहने वाले बहुत हैं या हम दूसरों को प्रेम करने वाले हैं। लेकिन एहसास तब होता है जब हमारी आंख खुलती है, जब ईश्वर हमारे समक्ष खड़ा होके हमें ये बताने का प्रयास करता है कि तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारा मोह है, प्रेम का दूसरा रूप तो मैं हूँ। और शबरी जब अपने गुरु की कृपा से इसी प्रेम के रहस्य को अपने भीतर जान जाती हैं तो उनका और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल इतना कि मुझसे मैंने, तुझसे मैंने, तुझे जो मांग लिया और कोई इल्तिजा नहीं बाकी, शौके दीदार तेज तर कर दे और कोई दुआ नहीं बाकी, कि मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे देखने की क्षमता को और तेज कर दे, मेरे इंतजार की, मेरे प्रतीक्षा की भावना को और दृढ़ कर दे, ताकि मुझे तेरे अलावा, तेरे बिना संसार में कोई दूसरा नजर ना आए। शबरी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, केश ध्वल हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन मन में प्रतीक्षा की अग्नि अभी भी दृढ़ है, अभी भी प्रबल है। मन ही मन एक ही पुकार करती है और वो पुकार क्या है, आइए श्रवण करें। नैना बिछाए बैठी है शबरी, कब आओगे राम जी? नैना बिछाए
बैठी है शबरी, कब आओगे राम जी। नैना बिठाए बैठी है शबरी, कब आओगे राम जी। रास्ता है निहारे कुटिया के द्वारे, रास्ता है निहारे कुटिया के द्वारे। व्याकुल मनवा राम 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 जी पुकारे। नैना बिछाए बैठी है शबरी, आओगे राम जी। नैना बिछाए बैठी है शबरी, कब आओगे राम जी। रस्ता है निहारे कुटिया के द्वारे, रस्ता है निहारे कुटिया के द्वारे। व्याकुल मनवा राम 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 जी पुकारे। नैना बिछाए बैठी है शबरी, आओगे राम जी। बन बन घूमे तुम सांजोर सकारे, हे राम हे राम कब आओगे द्वारे। बन बन घूमे तुम सांजोर सकारे, हे राम कब आओगे द्वारे। बैठी है शबरी, आओगे राम जी। नैना बिछाए बैठी है शबरी, आओगे राम जी। पावन कुटिया अब आ जाओ करने, सुखड़े मेरे अब आ जाओ हरने। पावन कुटिया अब आ जाओ करने, सुखड़े मेरे अब आ जाओ हरने। आशा लगाए बैठी है शबरी, आओगे राम जी। नैना बिछाए बैठी है शबरी, आओगे राम जी। तक के हारी लगती एक एक अब सांस भी भारी। बूढ़ी अखियां रात तक के हारी लगती एक एक अब सांस भी भारी। सही सती सावन मेरे
झलक को बैठी है शबरी रामी रामी जी नैना दिखाए बैठी है शबरी रामी रामी जी रस्ता है निहारे कुटिया के द्वारे रस्ता है निहारे कुटिया के द्वारे व्याकुल मनवा राम 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 जी पुकारे नैना बिछाए बैठी है शबरी राम जी शबरी। उनके मन में बार बार एक ही भाव उठता है कि हे राम, क्या मेरे ऐसे भाग्य नहीं है कि तुम्हारे दर्शन होंगे। आज शबरी की अवस्था ऐसी है, एक ऐसे मरुस्थल की भांति जिस पर सदियों से एक भी वर्षा की बूंद नहीं पड़ी है। जिस प्रकार पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता है, आज शबरी के मन में केवल एक ही भाव है कि राम आए। मन में बार बार यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, क्या मेरे संस्कार इतने प्रबल हैं, क्या मेरे पाप इतने अक्षम्य हैं कि मेरे मन में सारा संसार तो समा सकता है, मेरे मन में हर एक व्यक्ति निवास कर सकता है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। क्या मेरे पाप ऐसे हैं प्रभु। बार बार एक ही प्रार्थना, एक ही पुकार है कि केवल राम के दर्शन हो। और ऐसी ही भावना, ऐसी ही अवस्था प्रभु के भक्तों की तब हुई जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए। ऐसी ही अवस्था ब्रजवासियों की हुई जब कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़कर मथुरा की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण वो तो मथुरा में चले गए, लेकिन पीछे सारे ब्रजवासी सारा सारा दिन भगवान को याद करके रोते हैं। गोपियां, ग्वाले सारे अपना काम धाम छोड़कर एक ही रट लगाए हुए हैं कि कान्हा, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए कन्हैया, वापिस आ जाओ। माँ यशोदा, नंद बाबा, कोई भी किसी को भी अपने काम की और ध्यान नहीं है, सभी को कृष्ण चाहिए, सभी को कान्हा चाहिए। और इधर कृष्ण कान्हा वो मथुरा में है। कहते हैं कि जब एक भक्त, एक प्रभु का प्रेमी ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करता है, सच्चे मन से याद करता है, तो फिर उसकी पुकार ईश्वर तक भी पहुंचती है। ऐसा कभी भी हो नहीं सकता कि एक तरफ से ज्वाला उठे और दूसरी तरफ उसका प्रकाश भी ना पहुंचे, दूसरी तरफ उसकी गर्मी महसूस ना हो, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। और इसीलिए किसी ने कहा कि सखी, प्रेम दोनों ओर पलता है, पतंग तो जलता ही है सखी, दीपक भी जलता है। कैसा नहीं कि प्रेम की परिभाषा सिर्फ एक ओर से लागू होती है, ये दोनों तरफ से एक समान, एक जैसी लागू होती है। यदि पतंगा जलता हुआ दिखाई देता है तो इसका भाव ये नहीं कि केवल पतंगा जल रहा है, साथ ही साथ दीपक भी जलता है। लेकिन यदि इनमें से पतंगा आगे न बढ़े तो फिर दीपक जल नहीं सकता, और अगर अकेला दीपक न जले तो पतंगा जल जाए, ये भी नहीं हो सकता। और आज यदि ब्रजवासी कृष्ण को याद करके रो रहे हैं, कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, तो उधर कृष्ण भगवान वो भी मथुरा में बैठे हैं, अपने महल की छत पर हैं, कुछ सोच रहे हैं, और सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु बह उठते हैं, और उन्हें याद आता है वो दृश्य जब वो ब्रज से मथुरा की ओर चल पड़े थे। उनका रथ आगे आगे चला जा रहा है और पीछे पीछे माँ यशोदा भागी चली आ रही है, और बार बार अपने हाथ पसार पसार कर कहती हैं कि कान्हा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, देखो अपनी इस बूढ़ी माँ को छोड़कर जा रहे हो, मेरे पाँव में इतनी क्षमता नहीं है कान्हा कि वो तुम्हारे पीछे भाग सके। रुक जाओ कान्हा,
इतने इतने कठोर तो ना बनो। लेकिन कृष्ण सबको रोता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए। और आज कृष्ण की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता है। बहुत देर तक यूं ही महल की छत पर खड़े रहे। कुछ समय के बाद माता देवकी आती है। जो ही माता देवकी आई, उन्होंने कृष्ण के पीछे कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण झट से पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं और माता देवकी देखकर हैरान रह जाती हैं कि कान्हा की आंखों में आंसू है, आज से पहले मैंने इसे रोता नहीं देखा। माता देवकी बड़े ही प्रेम से पूछती हैं, कान्हा क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कृष्ण कोई जवाब नहीं देते। माता देवकी फिर पूछती हैं, बेटा बताओ तो सही, महलों में तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया है? तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई दुख है? मुझे बताओ, अपनी माँ को नहीं बताओगे? लेकिन कृष्ण कोई उत्तर नहीं देते, आंखें नीची करके चुपचाप खड़े रहते हैं। माता देवकी फिर कहती हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम बताना नहीं चाहते तो ना सही, लेकिन चल के भोजन तो कर लो। और कृष्ण चुपचाप अपनी माँ के पीछे पीछे चल देते हैं। माता देवकी जाकर भोजन परोसती है। जैसे ही थाली लगाई और कृष्ण एक पहला ही कौर उठाते हैं, मुंह में डालने लगते हैं, तो उनकी आंखों के सामने फिर वही दृश्य है, रोते हुए ग्वाल बाले नंद बाबा और रोती हुई यशोदा माँ। कृष्ण भगवान, उनसे वो भोजन खाया नहीं जाता, कौर वहीं थाली में रखते हैं और अपने कक्ष की ओर भाग लेते हैं। माता देव के पीछे पीछे भागती हैं, बेटा रुको तो सही, भोजन ऐसे छोड़कर नहीं जाते, आ जाओ कान्हा। लेकिन कृष्ण कुछ नहीं सुनते। थोड़े समय के बाद महल में उद्धव जी आते हैं। जैसे ही उद्धव आते हैं, माता देव की उनसे कहती हैं, उद्धव पता नहीं कृष्ण को क्या हो गया है, जब से ब्रज से आया है ना तो ढंग से खाता है ना पीता है, सारा दिन गुमसुम सा रहता है, अपने ही विचारों में खोया रहता है। मैंने पूछा लेकिन मुझे बताता भी नहीं है, तुम ही पूछो, शायद तुम्हें बता दे। उद्धव कृष्ण के कक्ष की ओर चल देते हैं, जाते हैं, जाकर आवाज देते हैं, कान्हा कान्हा। कृष्ण आवाज सुनकर जो ही मुड़ते हैं तो उद्धव भी हैरान रह जाते हैं कि कान्हा रो रहे हैं, कृष्ण रो रहा है। बड़ी ही हैरानी से पूछते हैं, कृष्ण तुम्हें यह शोभा नहीं देता? तुम मथुरा के शासक हो और एक शासक उन ग्वाल बालों के लिए, उन गांव वालों के लिए ऐसे रोए, ये उचित नहीं है। तुम ये रोना धोना छोड़कर अपने राज्य को संभालो, तुम मथुरा का शासन संभालो। जो ही उद्धव जी की ये बातें सुनी, कृष्ण अपने बहते हुए आंसुओं से उद्धव की तरफ देखते हैं और बड़े ही धीरे से कहते हैं, क्या कहा उद्धव, भूल जाऊं? किसे भूल जाऊं? तुम मुझे किसे भूलने के लिए कह रहे हो? मोहे ब्रज बिसरत नाही उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। तुम मुझे उन ग्वाल बालों को भूलने के लिए कह रहे हो? तुम मुझे माँ यशोदा को भूलने के लिए कह रहे हो? उद्धव मैं सब कुछ भुला सकता हूँ, ये राज दरबार, ये महल, ये वस्त्र, ये शान बान, ये मान सम्मान, मैं सब कुछ भुला सकता हूँ, लेकिन ब्रजवासियों को नहीं। उनको भुलाना मेरे लिए असंभव है उद्धव, उनके जैसा प्यार पाना मेरे लिए दुर्लभ है। जानते हो जब मैं काली दमन के लिए यमुना में कूद गया, मैं जब थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं आया तो सभी कैसे तड़प उठे थे, और जब मैं यमुना से बाहर आया तो कितने प्रसन्न हुए थे वो, उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और सभी गोपियां अपने घरों में मुझे ले जाकर तरह तरह के पकवान खिलाती थी। बताओ उद्धव, ऐसा प्यार क्या तुम मुझे दे सकते हो? ऐसा प्यार क्या ये राजमहल मुझे दे सकता है? नहीं उद्धव, मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकता, मैं उनका ऋणी हूँ उद्धव। जैसे ही उद्धव ये सब बातें सुनते हैं, कहते हैं, कृष्ण कुछ भी हो तुम्हें ये शोभा नहीं देता। कृष्ण फिर कहते हैं, उद्धव ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम वहां जाओ, जाकर उन्हें समझाना, उन्हें कहना कि कृष्ण एक दिन अवश्य आएगा, मैं उनके पास अवश्य आऊंगा। उद्धव उन्हें जाकर समझाना। उद्धव आगे से कहते हैं, कान्हा कहां वो गांव वाले, वो अनपढ़ गंवार, वो मेरी बातें कैसे समझेंगे, वो मेरी बातें नहीं समझेंगे। लेकिन कृष्ण फिर कहते हैं, नहीं उद्धव,
एक बार जाकर कहो तो सही, उन्हें कहना कि मैं आऊंगा और अवश्य आऊंगा। कृष्ण की बात मानकर उद्धव ब्रज की ओर चल पड़ते हैं। जो ही ब्रज में पहुंचे जाकर देखते हैं कि वहां तो कुछ अलग ही वातावरण है। चारों ओर चुप्पी छाई हुई है, सभी अपने मुंह नीचे किए हुए निराश होकर घूम रहे हैं। शमशान की सी शांति है। उद्धव मन ही मन ये सोचकर हैरान है कि क्या ये यही ब्रज है? कृष्ण तो कहता था कि मेरे ब्रज में बड़ी रौनक है, वहां चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, चहल पहल है, क्या ये वही ब्रज है? सोच ही रहे हैं तो अचानक क्या देखते हैं कि नदी में यमुना में से कुछ गोपियां मटके उठाए हुए पानी भरने के लिए आ रही हैं। देखते हैं और देखते ही जा रहे हैं, क्या देखते हैं कि सभी गोपियां तट पर आकर बैठती हैं, मटकी जल में डालती हैं, पानी भरती हैं, लेकिन पानी भरकर ले जाती नहीं है। कुछ देर तक वहीं बैठी रहती हैं और फिर मटकी को वापस पानी यमुना में उड़ेल देती हैं। उद्धव ये देखकर हैरान है कि ये क्या हुआ, ये कैसी बात है। अभी सोच ही रहे थे तो अचानक एक गोपी उद्धव जी की तरफ देखती है और बाकी को कहती है कि सखी ये कौन है, ये तो हमारे गांव में कोई नया आया लगता है। ये सोचकर ये मन में भाव लाकर सभी उद्धव के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, भैया आप कौन हैं, आप तो इस गांव में नए आए लगते हैं। उद्धव कहते हैं कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, मैं उद्धव हूँ, मथुरा से उसका संदेश लेकर आया हूँ। जो ही सभी ने सुना कृष्ण मथुरा संदेश, सभी एक साथ कहते हैं, उद्धव आप उद्धव हैं, आप हमारे कान्हा का संदेश लेकर आए हैं, बताइए कैसा है हमारा कृष्ण। उद्धव बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, पहले आप मुझे बताइए ये सब क्या है। कृष्ण की याद में रोना बिलखना और नृत्य कर करके बेसुध हो जाना, ये भला क्या बात है? अरे आप तो मुझे पागल हो गई लगती हैं, आप अपना काम भी भूल चुकी हैं, ये भी भूल गई कि पानी भरने के लिए आई हैं और खाली मटकी लेकर जा रही हैं, ये सब क्या है? आओ मैं तुम्हें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताऊंगा, मैं तुम्हें वेद वेदांत के बारे में समझाऊंगा। अरे जो गांव वालों के लिए रोता है, अभी मैंने कल ही तो उसे देखा है, वो तुम सबको याद करके रो रहा था। जो ऐसे रोता है वो क्या भगवान हो सकता है? वो भगवान नहीं है, आओ मैं तुम्हें निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाऊंगा। जैसे ही ऐसा सुना तो गोपियां हंस पड़ती हैं, कहती हैं, उद्धव जी ये आप कैसी बात करते हैं? अरे आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि कृष्ण केवल मथुरा में है? अरे वो तो कण कण में है, वो तो हमारे घट में है, वो तो हमारे हृदय में निवास करता है। आप क्या समझेंगे, आप हमें वेद वेदांत की बातें समझाने आए हैं, हमें आपका ये निर्गुण ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें आपका ये भगवान नहीं चाहिए, हमें तो हमारा हंसता खेलता वो गाता बजाता कान्हा ही चाहिए, हमें आपका ये ब्रह्म नहीं चाहिए। और तभी राधिका जी बोल पड़ती हैं, कहती हैं, उद्धव तुम हमें समझाने आए हो, तुम हमें बताने आए हो। उद्धव मन न भये दस बीस, एक हो तो सो गयो साम संग को आराधेश। तुम्हारे भगवान को कौन उसकी आराधना करे, हमें तुम्हारा भगवान नहीं चाहिए। और सच पूछो तो हमें तुम पर तरस आता है, अरे इतनी देर तुम कृष्ण के साथ रहे और उसको समझ नहीं पाए, उसको जान नहीं पाए, और आज हमें बताने आए हो कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसा है। तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी, हम तो जानते हैं वो कौन है, हमें तो तुम पर तरस आता है कि तुमने आज तक उनसे ज्ञान दीक्षा की भिक्षा नहीं मांगी, तुमने प्रार्थना नहीं की। और इतना कहते कहते राधिका जी रो पड़ती हैं। उद्धव उनसे ये देखा नहीं जाता और वो आगे की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी आगे गए थे तो क्या देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे ग्वाल बाले खड़े हैं और उनकी अवस्था देखकर उद्धव हैरान रह जाते हैं। क्या देखते हैं कि सभी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, बाल बिखरे पड़े हैं और चेहरे पर पीड़ा के गहरे बादल हैं। जो ही उद्धव उनके पास पहुंचते हैं कुछ कहने का प्रयास कर दो, कहते हैं, भैया मैं कृष्ण का सखा हूँ, उद्धव हूँ, उसका संदेश लेकर आया हूँ। जो ही ये सुना
कृष्ण का सखा एकदम झट से सभी उधो से निपट जाते हैं, रो रो कर उधो के वस्त्र भिगो देते हैं और कहते हैं, उधो उधो जी, क्या कृष्ण आपके साथ नहीं आया? क्या उसे हमारी याद नहीं आती है? क्या वो राज महलों में जाकर हमें भूल गया है? क्या उसे नहीं एहसास कि उसके पीछे हम इतना तड़प रहे हैं? क्या उसे इसका ज्ञान नहीं है? और तभी दूसरा ग्वाल कहता है, जानते हैं उद्धव जी, अभी कल ही मैं अपनी गाय को लेकर जा रहा था, अचानक मुझे कृष्ण की बंसी सुनाई दी और जब मैंने देखा तो दूर से देख रहा हूँ कि कदंब के पेड़ की डाली पर कृष्ण बैठा है, बंसी बजा रहा है। मैं भाग के पहुंचा और कहा, कान्हा आओ कान्हा, तुम्हें मैं अपने घर लेकर चलता हूँ। लेकिन जानते हैं उद्धव जी, वहां कोई नहीं था। उद्धव जी, अब आप ही बताओ, क्या कृष्ण ने आपको कभी नहीं कहा कि हम उसे कितना याद करते हैं? क्या उसे हमारे प्रेम के कदर नहीं है? उद्धव जी, क्या वो कभी नहीं आएगा? क्या वो हमारे पास फिर से खेलने कभी भी नहीं आएगा? उद्धव सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं बनता, चुपचाप देख रहे हैं और ये प्रेम देखकर उनका गर्व खंड खंड हो जाता है। और तभी उनमें से एक ग्वाल और बोलता है, कहते हैं, उद्धव जी, हम तो सह लेंगे, मन पर पत्थर रख लेंगे, लेकिन हमसे नंद बाबा और माँ यशोदा की अवस्था देखी नहीं जाती है। जानते हैं, नंद बाबा हाथ में कलेवा लेकर दूर दूर तक जाते हैं, कहीं कदम के पेड़ों पर, कभी कभी यमुना के तट पर, कभी कहीं, कभी गली में, कभी कुंचों में, और जाकर पुकार करते हैं, कान्हा तुम कहाँ खो गए? कान्हा आ जाओ, भोजन कर लो कान्हा। लेकिन कान्हा जवाब नहीं देता है, कान्हा उत्तर नहीं देता उद्धव जी। और माँ यशोदा, उनकी अवस्था हमसे देखी नहीं जाती है, सारा सारा दिन वो कृष्ण को ही याद करके रोती है और सारा दिन द्वार पर टकटकी बांधे निहारती रहती है, बार बार पुकारती रहती है, कान्हा बेटा अब तो आ जाओ, बहुत खेल लिया है बेटा, अब आ जाओ, देखो नहीं तो तुम्हें गर्मी पकड़ लेगी, तुम आ जाओ कान्हा। लेकिन जब द्वार में से कोई भीतर नहीं आता, कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो ऐसे तड़प कर रोती हैं कि उनकी उस अवस्था को देखकर कोई उन्हें संभालने वाला नहीं होता उद्धव जी। और उद्धव सबकी बातें सुनते हैं और उसी समय कहते हैं कि भैया आप मुझे नंद बाबा के घर ले चलिए। जो ही नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, कोई ग्वाल जाकर आवाज देता है कि नंद बाबा, जानते हैं कौन आया है? कृष्ण का सखा आया है, उद्धव आए हैं, उनका संदेश लेकर आए हैं। और नंद बाबा, कृष्ण, उसका संदेश, सखा, मथुरा, ये सुनकर भाग भाग पड़ते हैं और अपनी छड़ी को पकड़ने से पहले ही उसे गिरता हुआ छोड़कर वो नई जीवन शक्ति से भरकर खुद भागते हैं और भागकर उद्धव को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, उद्धव अकेले आए हो? मैं जानता था कि कृष्ण बड़ा निष्ठुर है, वो बड़ा कठोर है, नहीं आया ना तुम्हारे साथ, मैं जानता था। लेकिन उद्धव उनका ध्यान सबसे हटकर माँ यशोदा की तरफ है। माँ यशोदा चुपचाप एक कोने में बैठी है, कुछ ध्यान नहीं है, तन की सुधि नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं और आंखें ऐसी हैं मानो रो रो कर सूनी सी हो गई हो। उद्धव सबको छोड़कर माँ यशोदा के चरणों में जा बैठते हैं और जो ही माँ यशोदा के चरणों पर अपने हाथ रखे, माँ यशोदा उद्धव की तरफ देखती है और कहती है, उद्धव कृष्ण से जाकर केवल मात्र इतना कहना कि यदि वो यहाँ नहीं आ सकता, यदि वो हमारे पास नहीं आ सकता, तो अपनी इस बुढ़िया माँ को अपने पास बुला ले। इस उसके इतने बड़े राजमहल में एक छोटी सी कुटिया तो होगी, उसे कहना कि वो उसे राजमहल में ना रखे लेकिन एक छोटी सी कुटिया में रख ले, जहाँ वो दूर से ही उसके दर्शन करके उसकी सेवा करके जीवित रह लेगी। लेकिन उद्धव यदि वो ना आया, यदि उसने हमारी इतनी सी बात भी ना मानी, तो फिर इतना कहकर
यशोदा माँ वो तड़प कर उद्धव की गोद में ही गिर पड़ती है और माँ यशोदा को रोते हुए देखकर सभी ग्वाल बाले सभी गोपियाँ वो भी जोर जोर से रोने लगते हैं और उद्धव सब की ओर निहार रहे हैं और ना चाहते हुए भी धैर्य बटोरने के बावजूद भी उनके भी अश्रु बह उठते हैं और उन्हें हृदय से ये महसूस होता है मनु सभी की अंतरात्मा यही पुकार कर रही हो। कान्हा तोरी जो हत रह गई बा, जो हत रह गई बा, कान्हा Hey.
ब्रजवासी उद्धव जी से कहते हैं, कहे उद्धव, जाकर कृष्ण को हमारा ये संदेश देना कि उसके बिना ये गलियां, ये ब्रज, ये चौराहे, ये कदम के पेड़ और सबसे बढ़कर हमारा हृदय सूना हो गया है। जब तक वो नहीं आएगा इसमें खुशियां लौट नहीं सकती, इसमें प्रसन्नता वापस नहीं आ सकती। और उद्धव सभी को सांत्वना देते हुए फिर से मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। और आज ऐसी ही अवस्था शबरी जी की भी है। वो ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, प्रभु के आगे ये निवेदन करती हैं कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन तू मेरा शौक देख, इंतजार देख, कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी दीद के, तुम्हारे दर्शनों के योग्य नहीं हूँ, लेकिन तू ये तड़प देख, ये शौक देख, मेरी ये प्रतीक्षा, ये इंतजार तो देख। और ऐसे ही एक दिन शबरी अपनी कुटिया में बैठी हुई होती है, पुष्पों का हार गुथ रही होती है और मुंह से बरबस ही ये निकल पड़ता है, हे राम, तुम कब आओगे? और इतना कहने के साथ साथ ही उनके नेत्र भी छलक पड़ते हैं। बाहर उन्हें एक आहट सुनाई देती है, ऐसी आहट उन्होंने पहले कभी सुनी हुई नहीं थी। और साथ ही जब उन्हें यह एहसास होता है कि शायद मेरी कुटिया की तरफ कोई बढ़ रहा है, बाहर दौड़ कर आती है, लेकिन मन में ये भाव भी है कि ऐसी आहट, ऐसी पदजाप तो मैंने बहुत बार सुनी हुई है, शायद मैं, ये मेरा भ्रम हो, ये मेरे मन का वहम हो। लेकिन जाती हैं और जाकर क्या देखती हैं कि उनके आश्रम में, उनके कुटिया के द्वार पर कोई आ खड़ा हुआ है और उनके कानों में ये वचन पढ़ते हैं कि क्या मतंग मुनि की शिष्या शबरी का आश्रम यही है। जो ही शबरी ने ये वचन सुने, उन्हें उनके मन में ये बात पौंध जाती है, ये कौन है, ऐसी आवाज तो मैंने आज तक सुनी नहीं। और जो ही शबरी ये वचन सुनकर अपना मुख ऊपर उठाती है तो क्या देखती है कि सामने स्वयं प्रभु श्री राम है। राम उतारा शबरी के आश्रम पग धारा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। उनके वचन समझ दिया, शबरी देखती हैं कि सामने स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम हैं और उनके साथ लक्ष्मण भी हैं, वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथों में धनुष बाण है और मुखमंडल पर एक मन को मोह लेने वाली मुस्कान है। शबरी देखकर श्वास मानो रुक गई, प्राण मानो ठिठक जाते हैं। जिस क्षण के इंतजार के लिए उनके सदियों तक के जीवन का सफर तय हुआ था, वो प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई है। शबरी देखकर हैरान है, कुछ समझ नहीं पड़ता कि क्या करें। कभी कभी हाथ कुछ करना चाहते हैं तो मन कुछ और ही करने की आज्ञा देता है। शबरी कभी चरण छूती हैं, कभी सहलाती हैं तो कभी उन्हें चूमती हैं, कभी प्रभु की तरफ देखती हैं तो कभी लक्ष्मण की तरफ देखती हैं, कभी अपनी कुटिया की तरफ देखती हैं तो कभी अपने हाथ में पकड़े हुए पुष्पों के हार की तरफ देखती हैं। शबरी प्रसन्न है, मुख से कोई भी वचन नहीं निकल रहा। और आज ना तो प्रभु श्री राम बोल रहे हैं और ना ही शबरी कुछ बोल रही है। एक मौन वार्तालाप चलता है आत्मा और परमात्मा के मध्य। थोड़ा सा विचार करें कि आज से पहले शबरी ने प्रभु श्री राम को देखा नहीं है और ना ही उनके आगमन की सूचना किसी ने दी थी और ना ही स्वयं प्रभु श्री राम ने बताया था कि मैं राम हूँ। फिर शबरी को कैसे पता चल गया कि यही मेरे प्रभु हैं, यही प्रभु श्री राम है, उन्हें कैसे पता चल गया? दूसरी ओर एक और ऐतिहासिक घटना हम श्रवण करते हैं।
द्वापर युग के समय, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आज मैं तुम्हें वही शाश्वत ज्ञान देने जा रहा हूँ जो आज से पहले मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया, सूर्य ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, आज वही ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ। और अर्जुन ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि भगवान ये आप बड़ी अजीब बात कह रहे हैं, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप अब मुझे ज्ञान दीक्षा की बात देने की आगे जारी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान सूर्य को दिया था, ये बड़ी अजीब बात है, ये कैसे हो सकता है, आप मेरे सामने खड़े हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या समझते हो। तो आगे से अर्जुन उत्तर देते हैं कि आप मेरे सखा हैं, आप मेरे सारथी हैं, आप मेरे नाते हैं, और क्या हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आगे से कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि ना तो माम शक्य से दृष्टु मने नैव स्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, कि अर्जुन तेरे ये चर्म चक्षु मुझे देखने में सक्षम नहीं है, तेरे ये नेत्र मुझे देखने में सक्षम नहीं है, मैं तुम्हें वो दिव्य चक्षु देता हूँ, मैं तुम्हें वो नेत्र देता हूँ जिससे तू अपने ही भीतर मेरे वास्तविक स्वरूप को जान ले, जिससे पाकर तू अपने ही भीतर मेरी ईश्वरीय योग शक्तियों को देख। और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनका कहना क्या होता है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरु ज्ञान नत्वत् समोस्ति अभ्यधिक कुत्वन्य लोक त्रयपि अप्रतिम प्रभात। अर्जुन क्या कहते हैं, जो अर्जुन पहले ये कहते थे कि आप कौन हैं, आप तो मेरे सखा हैं, वही अर्जुन उनका उत्तर किस प्रकार परिवर्तित होता है, वो क्या कहते हैं कि आप इस संपूर्ण चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु, अति पूजनीय हैं और आपसे बढ़कर तो क्या तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये विचारधारा कैसे परिवर्तित हो गई, कुछ क्षण पहले जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आप मेरे सखा हैं, आप मेरे नाती हैं, आप मेरे सारथी हैं, कुछ क्षणों के बाद वही व्यक्ति, वही मनुष्य कह रहा है कि आप चराचर जगत के स्वामी हैं, आप सबसे बड़े गुरु, अति पूजनीय हैं। ये परिवर्तन कैसे आया, यही परिवर्तन, यही विचारधारा आज आप अपने बीच में पाएंगे। परमात्मा के विषय में हमारे अलग अलग विचार हैं, कोई कहता है परमात्मा को देखा जाता है, कोई कहता है परमात्मा को देखा नहीं जाता, और कोई इससे भी बढ़ जाता है कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, अलग अलग विचार। या कोई ये कह देता है कि परमात्मा मान लो इतना ही बहुत है। इसीलिए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक जगह कहा गया कि सिद्ध समाध करे नित झगड़ा दो लोचन क्या हेरे अंतर ज्योत शब्द तुम जागे सतगुरु चगण मेरे। कहते हैं कि परमात्मा को मानने वाले लोग या परमात्मा को नहीं मानने वाले लोग अपने अलग अलग विचार देते हैं और इस प्रकार आज समाज में, संसार में एक प्रकार की द्वंद्व की स्थिति बनी है, हाँ या ना, नहीं है या है, एक अजीब सा वातावरण है, समझ नहीं पा रहा इंसान कि सत्य क्या है। तो वो इस संशय का निवारण करते हुए कहते हैं कि अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुरु चगण मेरे, कि जब मुझे सतगुरु की प्राप्ति हुई, कैसे सतगुरु की, जिसके पास वो क्षमता थी दिखा देने की, जब उन्होंने मेरे अंदर भगवान के प्रकाश को प्रकट कर दिया, मेरे भीतर उस शाश्वत सत्य नाम को, उस पुरातन शक्ति को, भगवान को प्रकट कर दिया, तो मेरे सारे झगड़े समाप्त हो गए, मेरे द्वंद्व समाप्त हो गए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वास्तविकता क्या है, मुझे पता चल गया कि भगवान मानने का विषय नहीं है, भगवान देखने का विषय है, उसे जाना जाता है अपने ही भीतर। ये द्वंद्व समाप्त हो गया, ये भ्रम, ये संशय मिट गए जब एक गुरु की प्राप्ति हुई, जब मुझे दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुई। और आज शबरी यदि प्रभु को पहचान गई हैं तो केवल इसलिए कि उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, उन्हें मतंग मुनि जी के द्वारा उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसे पाकर उन्होंने राम को पहले अपने भीतर जाना था, और इसीलिए आज यदि वो उनके सामने भी आ गए हैं तो उन्हें पता चल गया कि यही मेरे प्रभु हैं। शबरी प्रभु को पहचान जाती है। अब
ये देख रही हैं कि प्रभु मेरे सामने तो आ गए, लेकिन मैं इनका अभिवादन कैसे करूं, मैं इनका स्वागत कैसे करूं। कभी कभी प्रभु का हाथ पकड़ती हैं, कुटिया की तरफ ले जाने लगती हैं, तो कभी इधर उधर वहीं स्थान ढूंढती हैं कि यहीं कहीं प्रभु को बिठा दूं। कभी कुछ करती हैं तो कभी कुछ करती हैं, फिर बड़े ही प्यार के साथ प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ती हैं और उन्हें अपनी कुटिया के भीतर ले आती हैं। जो आसन पहले से ही सजाया होता है उसे अपने आंचल से पोंछती हैं और बड़े ही प्रेम के साथ प्रभु को वहां पर बिठाती हैं। साथ में लक्ष्मण जी भी बैठ जाते हैं। अब शबरी निहार रही है प्रभु को और साथ ही साथ एकाएक मन में विचार आता है कि अरे प्रभु तो इतने दूर से आए हैं, उन्हें भूख लगी होगी, और इसलिए झट से अंदर जाती हैं और जो फलों का भरा हुआ दोना सजाया होता है उसे उठाकर लाती हैं और बड़े ही प्रेम के साथ प्रभु के समक्ष रख देती हैं। एक फल उठाती हैं और फिर जैसे ही देने के लिए प्रभु को आगे करती हैं, और वो फल कौन सा है हम भली भांति परिचित हैं कि वो फल था बेर का फल। और शबरी किस प्रकार से प्रभु श्री राम को आज भोजन करवाने की चेष्टा कर रही है, कैसे अपने प्रेम को साकार करने का प्रयास करती है, आइए जरा हम भी श्रवण करते हैं। एक एक बेर उठा कर शबरी पहले आधा खाए, फिर अपने हाथों भगवान को जूठे बेर खिलाए। शबरी क्या करती हैं कि प्रभु श्री राम के समक्ष वो बेर से भरा दोना लेकर आती हैं, और जैसे ही एक बेर उठाकर प्रभु के सामने देने लगती हैं तो मन में विचार आता है कि अरे यदि ये बेर मीठा ना हुआ तो, यदि ये फीका हुआ या फिर कड़वा ही हुआ तो फिर तो मेरे प्रभु के मुंह का स्वाद ही खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करती हैं
कि पहले स्वयं चखती हैं और यदि बेर मीठा निकल आता है तो वो प्रभु को समर्पित करती हैं और प्रभु बड़े ही प्रेम के साथ उस बेर को अपने मुंह में रख लेते हैं और खाने लगते हैं। और शबरी प्रभु को ये बेर खाते हुए देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं और बड़ी ही भाव विभोर होकर वैसे ही बेर चखकर लक्ष्मण जी को भी देती हैं। लक्ष्मण हाथ में बेर रख तो लेते हैं लेकिन फिर कभी प्रभु श्री राम की तरफ देखते हैं, फिर शबरी जी की तरफ देखते हैं और फिर अंत में बेर की तरफ देखते हैं और अपनी मुट्ठी बंद करके बड़ी ही चतुराई से वो बेर पीछे की तरफ फेंक देते हैं। और प्रभु श्री राम मन ही मन लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण आज तुमने जिन बेरों का तिरस्कार किया है यही बेर एक दिन तुम्हें जीवन दान देंगे। और ऐसा ही हुआ जब लंका युद्ध में मेघनाथ के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं जिसके प्रयोग से लक्ष्मण जी के प्राण लौट आते हैं। और वो संजीवनी बूटी और कुछ भी नहीं था, वो वही बेर थे जिनका आज लक्ष्मण तिरस्कार कर रहे हैं। और जब प्रभु श्री राम बेर खा चुके तो शबरी प्रभु श्री राम को बड़े ही प्रेम के साथ आचमन करवाती है। जो ही प्रभु आचमन भी कर चुके शबरी अपना आंचल आगे करती हैं, प्रभु श्री राम हाथ पोंछते हैं और पोंछने के बाद फिर से आसन पर विराजित हो जाते हैं। प्रभु को अपने समक्ष आया हुआ देखकर मन ही मन शबरी सोचती है कि आज मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन है। गुरुदेव ने सत्य ही कहा था कि शबरी तुम्हारे जैसा धन्य और कोई भी नहीं है। आज गुरुदेव के वचन सत्य हुए हैं, आज प्रभु ने मेरे हाथों से नैवेद्य स्वीकार किया है, मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन है। और प्रभु को बैठे हुए देखकर अपने समक्ष पाकर शबरी अपने हाथ जोड़कर प्रभु के समक्ष ये प्रार्थना करती है। पानी जोड़ी आगे भरी थाली चुके तो शबरी प्रभु श्री राम जी के आगे ये प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे पापनाशन, हे दुखहर्ता, आप तो सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, यदि आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं वेद ग्रंथों के द्वारा आपकी स्तुति करती, लेकिन हे नाथ, मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ और सबसे ज्यादा मैं नीच हूँ। मेरे में वो क्षमता नहीं कि आपकी स्तुति करूँ या आपकी महिमा का गान करूँ। हे प्रभु, इस संसार में जो अधम से अधम है और उससे भी अधम जो है, ऐसी अधम स्त्री मैं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में ये क्षमता नहीं थी, मेरे में ये साहस नहीं था, मेरे में ये योग्यता नहीं थी कि मैं आपके समक्ष भी खड़ी हो पाऊँ, लेकिन फिर भी हे प्रभु,
आज आप मेरी सभी अपराधों को, सभी भूलों को क्षमा करिए प्रभु। शबरी इतने विनम्र भाव से, इतने दीन भाव से प्रभु के समक्ष प्रार्थना करती हैं। दूसरी ओर एक बार हम जरा अपने भीतर झांक कर देखें। कहने को सभी परमात्मा के भक्त हैं, सभी परमात्मा के प्रेमी बनना चाहते हैं, लेकिन एक बार यदि हम अपना अवलोकन करके देखें, हम सभी एक क्षण के लिए अपने भीतर झांक कर देखें, तो पता चलेगा कि प्रेमी भक्त ये तो हमें छू भी नहीं पाया है। हर एक मनुष्य, हम में से हर एक प्राणी अपनी ही एक अलग दुनिया में जीना चाहता है, अपने ही एक अलग बनाए हुए संसार में, जिसमें मान्यताएं भी हमारी हो, जिसमें इच्छाएं भी हमारी हो, जिसमें आचरण भी हमारे अनुसार हो और उसमें परिवर्तन करने वाला कोई भी ना हो। और ऐसी दुनिया में हम जीना चाहते हैं जिसमें प्रभु की आज्ञा, प्रभु का प्रेम, प्रभु की इच्छा ये कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ी त्रासदी विडंबना आप जानते हैं हमारे साथ क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है, अपना बड़प्पन, अपने आप को हमेशा धन्य समझना, अपने आप को महान समझना, अपने आप को उत्तम समझना। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं सकता है। हम अपने बनाए हुए दुनिया के अनुसार खुद ही अवश्य सोच सकते हैं कि हम बहुत उत्तम हैं, हम बहुत महान हैं, लेकिन ईश्वर वो तो सर्वज्ञ है, वो अंतर्यामी है, वो जानता है कि हम क्या हैं, हमारी वास्तविकता क्या है, हमारा आधार क्या है, हमारी ऊंचाई कितनी है। इसलिए आज तक जहां परमात्मा के भक्तों की बात आई, आप जरा ध्यान देकर देखें, जब परमात्मा इस धरती पर आया उसने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन आज कुछ ही नाम उनके नाम के साथ याद क्यों किए जाते हैं? क्या उन्होंने केवल शबरी को ज्ञान दिया? क्या उन्होंने केवल हनुमान जी को ज्ञान दिया? क्या औरों लोगों को ज्ञान नहीं दिया था? कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग साथ हुए होंगे, लेकिन कुछ लोगों का नाम आज इतनी श्रद्धा के साथ है, जहां परमात्मा है वहीं उनका नाम है, ऐसा क्यों? क्या परमात्मा भेदभाव रखता है? क्या परमात्मा की दृष्टि में भी भेदभाव है? नहीं, समस्या वही है जब हम समझने का प्रयास नहीं करते, जहां हम अपने आप को खड़ा करके परमात्मा को पीछे धकेल देना चाहते हैं, वहां परमात्मा आए कैसे? जहां हम अपनी इच्छाओं को रोप कर प्रभु की आज्ञा को उखाड़ देना चाहते हैं, वहां परमात्मा कैसे प्रवेश कर सकता है? इसीलिए आपने बहुत बार ये विचार किया होगा, आपके मन का अनुभव रहा होगा कि हम यदि एक बार भी अपने मन के दर्पण में झांक कर देख लें, तो हमें अपने से बड़ा साक्षी और कोई नहीं मिल सकता। हमें कहीं जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हमें कहीं जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें कहीं जाकर उपदेश लेने की जरूरत नहीं कि इंसान कैसा है या परमात्मा कैसा है। हम यदि खुद अपने भीतर अपनी अवस्था को जांच कर देख लें, तो पता चल जाएगा कि हम कैसे हैं और भगवान की कृपा क्या होती है। और आज शबरी अपनी महानता का बखान नहीं कर रही है, वो जानती है कि परमात्मा की कृपा क्या है। उन्होंने अपनी अंतर मन की गहराइयों से इस अनुभव को प्राप्त किया है और अपने आप को बार बार दीन नीच मान रही है। और ऐसा भाव प्रभु को अत्यंत प्रिय है। और प्रभु श्री राम जब ये देखते हैं कि मेरा भक्त अपने आप को इतना दीन, इतना नीच, इतना अधम मान रहा है, तो उनसे ये सहन नहीं होता और वो शबरी जी से क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। कहे रघुपति सुने भामिनी पाता, मान एक प्रगति करनाता, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रात पाँच गुले घर में बड़ाई, धन बल परी चढ़े गुणे चतुराई।
श्री राम शबरी से कहते हैं, हे भामिनी मेरी बात सुनो। भाव, हे सुंदर स्त्री मेरी बात सुनो। अब यदि देखा जाए तो शबरी वृद्धा थी, उनका चेहरा कुरूप था, झुर्रियां पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सुंदर स्त्री मेरी बात सुनो। प्रभु श्री राम शबरी के शारीरिक सौंदर्य को परख नहीं रहे हैं, वो उनके आत्मिक सौंदर्य को देख रहे हैं। जहां हमारी दृष्टि हमेशा इसी बात पर रहती है कि बाहर से शारीरिक सौंदर्य कितना है, जहां हमारा मन इसी परख में रहता है कि हम कैसे सुंदर बन पाए, हम अपने शरीर को कैसे सजा लें, कैसे दूसरों की आंख का तारा बन सके। लेकिन कैसे, आज हमारा भरसक प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयास रहता है कि अलग अलग प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करें, प्रयोग में लाएं, ताकि देखने वाला हमें कहे कि हमसे ज्यादा सुंदर, हमसे ज्यादा मनमोहक और कोई नहीं है। लेकिन आप शरीर को सजा लीजिए, कितने समय तक सजा सकते हैं आप? मृत्यु, समय, काल चक्र एक दिन आपके शरीर को ही आपसे छीन लेगा, फिर किसे सजाएंगे आप? इसलिए आपने बहुत बार पढ़ा है महापुरुषों की वाणी को, बहुत बार सुना है। एक बात जरा सोच कर देखिए, क्या जब भी आपने किसी महापुरुष का जब वर्णन सुना या नाम आपकी जुबान पर आया, तो क्या साथ ही साथ आपके मन में यह विचार भी आया कि उनका शरीर कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, उनके नयनक्ष कैसे थे? क्या आपके मन में ये विचार आया? कभी हमारे मन को ये विचार छूता भी नहीं है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भले ही उनका शारीरिक सौंदर्य कैसा भी क्यों ना रहा हो, लेकिन उनका मन सुंदर था, उनकी आत्मा सुंदर थी। और आपका शरीर किसी को मोह नहीं सकता, आपका शारीरिक सौंदर्य किसी को खींच नहीं सकता है। आप जितना मर्जी प्रयास कर ले, अगर खींचेगा भी तो वो कुछ क्षणों के लिए होगा, वो अल्पकालीन है। लेकिन यदि आप मन से सुंदर हैं, आपका आत्मिक सौंदर्य प्रबल है, तो बेशक आप कुरूप भी क्यों ना हो, आप दूसरों को खींच सकते हैं। और ये तो संसार की बात है, परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है आपका आत्मिक सौंदर्य। परमात्मा आपके शरीर को कभी भी नहीं देखेगा, बेशक आप परी जैसे क्यों ना बन के आ जाए। इसीलिए महापुरुषों ने अपनी वाणी में एक आवाहन किया कि ए मन सुंदर अपना, तू रंग मजिठे रंगरी, त्यागे स्यानप चातर तू, जान गोपाले संगरी। तो किस भ्रम में है तो ये सोचता है कि अपने शारीरिक सौंदर्य से, अपने शरीर के प्रभाव से तू परमात्मा को आकर्षित कर लेगा। कहते नहीं, यदि तू परमात्मा को आकर्षित करना चाहता है तो जहां सौंदर्य चाहिए वो बाहर नहीं, वो भीतर है। और स्वयं प्रभु श्री राम इसी बात की घोषणा करते हैं कि भक्ति हीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मम सोई, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, मोहे प्राण प्रिय असि मम बानी। कहते हैं कि भक्ति भाव से रहित, प्रेम भाव से रहित भले ही ब्रह्मा क्यों ना हो, वो मुझे प्रिय नहीं, लेकिन यदि प्रेम है, यदि भाव है, तो मुझे अधम से अधम, नीच से नीच प्राणी भी प्रिय है। लेकिन हमारी जांच, हमारी परख, हमारी विचारधारा शरीर से आगे कहीं जाते ही नहीं है। ऐसा ही एक बार राजा जनक की सभा में हुआ। राजा जनक जो कि आत्मा परमात्मा के बारे में जानना चाहते थे, जिज्ञासु थे, वो एक सभा बुलाते हैं और उस सभा में बहुत से पंडित, बहुत से विद्वान, बहुत से शास्त्रों को जानने वाले व्यक्ति आते हैं। और उसी सभा में अष्टावक्र जी भी पधारते हैं। जो ही अष्टावक्र जी का पदार्पण हुआ तो जितने भी सभासद हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी पंडित जन बैठे हैं, सभी जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। ये देखकर स्वयं अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जनक ये देखकर अष्टावक्र जी से एक प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं, बालक मुझे ये बताओ, ये लोग क्यों हंस रहे हैं, ये तो मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो, ये बात मुझे समझ नहीं आई, तुम क्यों हंसे हो? तो अष्टावक्र मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि राजन, ये लोग मेरे शरीर को देखकर हंसे हैं, ये देखकर हंसे हैं कि मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, इसमें बल है, और मैं ये देखकर हंसा हूं कि ये जमारों की मंडली ये सत्य का फैसला करेंगे। जो ही ये बात सुनी तो जनक आगे से उत्तर देते हैं, कहते हैं, बालक कैसी बात करते हो, चमारों की मंडली, तुम किसे चमार कह रहे हो, ये तो विद्वान हैं, ये तो बड़े बड़े पंडित हैं, शास्त्रों को, वेदों को जानने वाले हैं, इनमें चमार कौन है?
तो अष्टावक्र जी आगे से उत्तर देते हैं, कहते हैं, राजन ये चमार नहीं तो और क्या है, ये केवल चमड़े की परख करना जानते हैं, शरीर से बढ़कर इन्हें कुछ दिखता नहीं है। ये शरीर को तो देख रहे हैं लेकिन शरीर के भीतर निहित जो सत्य है, जो परम तत्व है, जो निहित आत्मा है, जो चेतन शक्ति है, जो शिव है, जो परमात्मा है, जो चैतन्य है, उसे ये देख नहीं पा रहे, ये चमार नहीं तो और क्या है। यही बात आज हम अपने दिल के कोने में कहीं ना कहीं इसका एक छोटा सा अंश अवश्य पाएंगे। इसलिए ये बात ध्यान देने वाली है कि परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहर के किसी प्रयास से नहीं उसे पाया जा सकता है, तो केवल आत्मिक सौंदर्य के द्वारा। राज प्रभु श्री राम यदि शबरी जी को कह रहे हैं भामिनी, तो वो उनके शरीर को नहीं निहार रहे, वो उनके आत्मिक सौंदर्य को देख रहे हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे भामिनी, मैं किसी जाति पाति विद्या धन संपत्ति मान बड़ाई मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मेरी नजर में इनका कोई भी मूल्य नहीं है। यदि भक्ति भाव है, यदि प्रेम है, यदि श्रद्धा है, यदि विश्वास है, तो मैं वही बंध कर रह जाता हूँ, और यदि प्रेम नहीं, भाव नहीं, तो मैं पास आने की सोच भी नहीं सकता। शबरी प्रभु की ये वचन सुनती है तो आगे से हाथ जोड़कर ये निवेदन करती है, कहती है, प्रभु जब से गुरुदेव गए हैं मैंने सत्संग श्रवण नहीं किया, यदि आपने मुझे दर्शन देने की ये कृपा की ही है तो एक कृपा और करें प्रभु, आप मुझे सत्संग श्रवण करवाइए। और प्रभु श्री राम शबरी को कहते हैं कि शबरी आओ, आज हम तुम्हें नवदा भक्ति का उपदेश देंगे। और प्रभु श्री राम शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, आइए हम भी साथ में सम्मिलित होते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, का उपदेश देते हैं। और उधर वन में जब सभी ऋषि मुनियों को पता चलता है कि प्रभु श्री राम आए हैं, तो एक ऋषि पूछता है, राम आए हैं, कहाँ आए हैं? तो दूसरा ऋषि आगे से उत्तर देता है कि वही उस भीलनी के घर में उस शबरी के द्वार पर आए हैं। ये देखकर सभी हैरान होते हैं और आपस में कहते हैं कि चलो हम भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने चलते हैं। वास्तव में उनके मन में कोई भक्ति भाव नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, वो तो केवल मात्र पंपा सरोवर के जल को स्वच्छ करवाने के लिए जा रहे थे। जो ही सभी ऋषि मुनि प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं और सारी बात कहते हैं, तो सारी बात को सुनकर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से कहते हैं भैया, इनकी बात सुनकर मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर अवश्य कोई अनिष्ट हुआ है, क्योंकि मुझे याद है हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा था कि यदि किसी सरोवर का जल ऐसा हो जाए तो वहां पर अवश्य ही कोई अत्याचार हुआ है, वहां पर कोई दुष्कर्म हुआ है,
और मुझे तो ये लगता है भैया कि यहाँ पर अवश्य ही प्रभु के किसी भक्त का अपमान हुआ है। ये सुनकर एक ऋषि प्रभु श्री राम को कहते हैं हाँ प्रभु, हमने शबरी जी का अपमान किया था। हमने कहा था कि तू नीच अधम, तू पापिनी हमारे आश्रम में आ गई। हमने उसे बहुत से अपशब्द कहे थे प्रभु। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि विप्रवर, यदि ऐसा है तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें शबरी ही कुछ कर सकती है, आप उन्हीं से क्षमा मांगिए। जो ही ये वाणी सुनी, शबरी प्रभु के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, नहीं नहीं प्रभु, ये कैसी बात कह रहे हैं आप? ये महात्मा, ये साधु संत, यदि ये मुझसे क्षमा मांगेंगे तो मैं तो पहले ही अभागी हूँ, मेरे तो पाप और बढ़ जाएंगे, ऐसे मत कहिए प्रभु। प्रभु श्री राम शबरी को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शबरी, तुम पापी नहीं हो, तुम अभागी नहीं हो। और सभी को साथ लेकर प्रभु श्री राम पंपा सरोवर की तरफ चल पड़ते हैं। जो ही पंपा सरोवर पर पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम सभी से कहते हैं कि आप अब अपना एक एक करके चरण इस सरोवर के जल में डालिए। सभी ऋषि मुनि एक एक करके अपना चरण जल में डालते हैं, लेकिन जल ज्यों का त्यों बना रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अंत में प्रभु श्री राम खुद शबरी जी को कहते हैं शबरी, अब तुम इस सरोवर के जल में अपना चरण डालो। जैसे ही शबरी जी सरोवर के जल में अपना चरण डालती हैं, तो प्रभु श्री राम की कृपा होती है और उसी समय सरोवर का जल पहले ही की तरह स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। जैसे ही सरोवर के जल को स्वच्छ और निर्मल होते हुए देखा, सभी ऋषि मुनि प्रभु श्री राम की जय जयकार कर उठते हैं, सभी शबरी जी की जय जयकार कर उठते हैं। वो सभी ऋषि मुनि जो सोचते थे कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो बहुत यज्ञ हवन आदि करते हैं, वही प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, हम तो ये सोचते थे कि शायद भक्ति हमारी ही है, हम तो सोचते थे कि शायद जो कुछ हम करते हैं यही भक्ति है, लेकिन आज हमें पता चला कि शबरी उन्होंने क्या प्राप्त किया है। हमने तो इतने बड़े गुरु, इतने बड़े महात्मा मतंग मुनि जी का भी अपमान किया है, आप हमें क्षमा करें प्रभु। और सभी ऋषि मुनि प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करते हुए वहां से लौट जाते हैं। और इधर प्रभु श्री राम जब सभी चले जाते हैं तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी सहित शबरी के पास आते हैं और कहते हैं, शबरी अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दो। जो ही प्रभु जी के जाने की बात सुनी, शबरी तड़प उठती हैं और कहती हैं, प्रभु इतनी इतनी प्रतीक्षा के बाद आप यहाँ आए हैं, अभी अभी तो मैंने जी भरकर आपके दर्शन भी नहीं किए और आप अभी जाना चाहते हैं, आप अभी थोड़ी देर और रुकिए प्रभु। प्रभु श्री राम चुपचाप सुनते जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। शबरी के इस प्रेम भाव से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम कहते हैं, शबरी आज हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं, मांगो तुम क्या चाहती हो, आज तुम जो कहोगी हम तुम्हें वही प्रदान करेंगे। तो शबरी आगे से कहती हैं कि प्रभु आपके दर्शन हुए, आपकी सेवा की, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो केवल इतनी कृपा करें कि मेरा मन और मेरा तन, मेरी भक्ति और मेरी श्रद्धा सदैव आपके श्री चरणों में बनी रहे। प्रभु श्री राम हाथ उठाकर कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यदि और भी कोई इच्छा है तो कहो शबरी, आज हम तुम्हें सब कुछ देंगे। शबरी एक बात और कहते हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल मात्र इतनी कृपा करें कि मैं आपके दर्शन करते करते आपके श्री चरणों में ही इस शरीर का त्याग करना चाहते हैं, केवल इतनी कृपा करें। प्रभु श्री राम फिर कहते हैं, तथास्तु, और शबरी वही प्रभु श्री राम के दर्शन करते करते योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग करके प्रभु श्री राम के ही शिव विग्रह में समा जाती है। इसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दंडकारण्य से आगे की ओर चल पड़ते हैं। शबरी, उनका प्रसंग हमने श्रवण किया और इस प्रसंग में हमने देखा परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की भक्ति
प्रभु के प्रति श्रद्धा, अनेकों ही बातों को श्रवण किया, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव अवश्य ही उत्पन्न हुआ होगा कि यदि ऐसा भाव उनमें था तो ऐसा भाव हमें क्यों नहीं, यदि ऐसा वैराग्य ऐसी श्रद्धा उनमें थी तो हमारे मन में क्यों नहीं, ऐसी तड़प हमारे मन में क्यों नहीं। तो इसका जवाब आपको स्वयं से बढ़कर और कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर सब पर समान स्वरूप से कृपा करता है। अब उस कृपा को अपना आंचल फैलाकर कौन कितनी शीघ्रता से समेटता है, कौन कितनी दृढ़ता के साथ, कौन कितने विश्वास के साथ ग्रहण कर लेता है, ये उसके अपने पर प्रभावित करता है। और इसीलिए प्रभु श्री राम की कृपा को अगर शबरी ने ढंग के साथ पूर्णता के साथ समेटा तो उसे वही गति प्राप्त हुई जो कहा गया कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, कि जो गति बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त मुनियों को ऋषियों को बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त होती है वही शबरी को आज आसानी से प्राप्त हो गई है। जिस प्रभु के दर्शन का प्रभाव यह है कि हम अपना माया रहित अविनाशी चेतन सुख रूप स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं वही शबरी ने प्राप्त किया। इसके पीछे कारण क्या था कि उन्होंने और कुछ भी नहीं चाहा, उनके जीवन में और कोई इच्छा नहीं थी, केवल एक ही भाव था, समर्पण भाव, प्रेम का भाव। और जब तक हमारे जीवन में वो अंकुर प्रस्फुटित नहीं होता ये हो नहीं सकता कि हम ईश्वर की कृपा को ग्रहण कर पाए। ये कहना तो कदापि उचित नहीं होगा कि हम कृपा को प्राप्त कर पाए, क्योंकि कृपा प्राप्त है, आवश्यकता है उसको संभाल कर रखने की, और जो संभाल लेता है वही इस वचन को सार्थक कर पाता है कि प्रेम में ये शर्त है, प्रेम में ये शर्त है कि सब कुछ फिदा कर दे, प्रेम में ये ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। इसलिए इस भाव को अपने आप में ग्रहण करने की आवश्यकता है, और जो केवल प्रार्थना से ही संभव हो सकता है, क्योंकि हम खुद स्वयं कुछ भी कर सकने में सक्षम नहीं, सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है। इसीलिए ऐसी ही प्रार्थना को मन में धारण करते हुए आइए प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।